हेलो फ्रेंड्स, मैं एसए टेलीकॉम की तरफ से दुर्गेश सोनी। और जैसा कि आप देखते हैं, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूएमसी का फुल कोर्स का कोर्स होता है हमारे एसए टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में। प्रॉपर वे में हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। जैसा कि आप पहले हार्डवेयर सीखते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर सीखते हैं, उसके बाद फिर एमएमसी की क्लास आप ज्वाइन करते हैं। तो वैसे ही आप हार्डवेयर के कई सारे वीडियो तो आप कंटेंट देख ही रहे हैं डेली। तो आज जो कंटेंट है हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आपको हम सॉफ्टवेयर में बताएंगे कि क्या किस तरीके से आप कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे हम आपको एक हाईलाइट के रूप में देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, जो आपको यूट्यूब में आप देखते हैं, यूट्यूब में मैं आपको बताऊँ काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई हैं, पर किस वे में डली है, उसको किस तरीके से की जाती है, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए हम एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, टूल के बारे में भी बताऊँगा थोड़ी सी, सारे मतलब एक हाईलाइट करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि आपको जो टूल यूज़ करना है। काफ़ी सारे मार्केट में टूल हैं, आपको काफ़ी सारे टूल यूज़ नहीं करने हैं, आपको केवल और केवल मैं एक दो टूल रिकमेंड करूँगा और वही टूल से आपको प्रैक्टिकल सारा हम इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर हमारा जो भी होता है, बेसिक से लेकर के हर एक चीज़, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, सारा कंसेप्ट हम बताते हैं। यहाँ पे कई सारे टूल होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना होता है। हम जनरली, मैं बता दूँ, सॉफ्टवेयर में जो हम टूल यूज़ कराते हैं, अभी जो हम करा रहे हैं, एक तो सबसे पहले एक मिरेकल यूज़ कराते हैं, उसके बाद एक UMT, और उसके बाद हमने दो टूल और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो कि हम अभी हटाने वाले हैं मिरेकल को भी। अभी हम केवल चलाने वाले हैं एक जो सैमसंग के FRP जो हम बात करेंगे, जो कि हम लाइव यहाँ पे आपको डेमो करके दिखाएंगे। कोई मॉडल बेस नहीं दिखा रहे यहाँ पे, आपको सैमसंग की FRP बताएंगे आपके कि आप कौन से किसी भी सैमसंग ऑल इन वन सैमसंग की मोबाइल की FRP आप बहुत ही ईजी तरीके से आप हटा सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये टूल है, ये सारे टूल के बारे में हम बताएंगे आपको कि किस टूल से हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ये सारा इंटरफेस आपको हम दिखाने वाले हैं कि, और फालतू चीज़ें नहीं कि आप ये डोंगल ले लो, क्योंकि काफ़ी टाइम में बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो आप ये भी टूल यूज़ कर रहे हो, आप मिरेकल भी यूज़ कर रहे हो, आप बहुत सारी टूलें आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको इस टूल के बारे में डिटेल जो हमारी क्लास चलती है। अब YouTube में मैं बात करता हूँ कि आपको फ्लैशिंग का मेथड, आप देखते हैं काफ़ी सारे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हम सिखाते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप YouTube में देखते हैं कि एक वीडियो आपने फ्लैशिंग सपोज देखा तो आपको वो एरर आता है। वो एरर को हम फाइंड आउट करना बताएंगे कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या ऑथ होता है, कैसे आप पोर्ट को स्टेबल करते हैं, ये सारा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि हमने एक फ़ोन उठाया और इसको डायरेक्ट फ्लैश में लगा दिया। सबसे पहले हमें इस फ़ोन के बारे में जानना होता है। हम कोई मॉडल वाइज कोई ओप्पो, वीवो, लावा, माइक्रोमैक्स काम यहाँ पे नहीं सिखाते हैं। हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का जेन्युइन तरीका होता है, हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ओप्पो का फ़ोन हुआ, हर एक फ़ोन में CPU और MMC होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिखाया जाता है। तो जैसे ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, चाहे कोई सा भी एक फ़ोन हुआ, हम यहाँ पे कोई मॉडल वाइज यहाँ पे कोई ओप्पो और वीवो की क्लास नहीं सिखाते हैं। हम यहाँ पे जो जेन्युइन होता है, हम यहाँ पे CPU टाइप CPU वे सिखाते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा सा पटांग लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं तो पहले वो बोलते हैं, उनका नज़रिया ही चेंज हो जाता है। पहले वो बोलते हैं कि सर, हम जो काम करते थे वो हम ओप्पो वीवो के मेथड से काम करते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी मेथड है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करने वाले हैं, कि जो उसमें CPU होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हमारी क्लास में सारे डिटेल दिया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट बना हुआ है, सबसे पहला जो हमारा चलता है वो MTK के चलता है। सबसे जो हमारी पहली क्लास होती है वो MTK करते हैं, क्योंकि यहाँ पे MTK, अब MTK में बताना चाहूंगा आपको, MTK में आपका ओप्पो भी होता है, वीवो भी होता है, लावा, माइक्रोमैक्स, ये सारी चीजें ऐड होती है फोन। तो हम यहाँ पे कोई भी फोन वाइज कभी भी नहीं सिखाते। फिर जो हमारी दूसरे दिन की क्लास होती है वो हमारी होती है कॉलकॉम, MSM, Qualcomm, SDM, ये सारे CPU वाइज। पहले तो हम MediaTek के बारे में डिटेल करते हैं, MediaTek में कौन कौन सी CPU होती है, क्या होता है, वो सारा चीज़ हम क्लास में हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हम Qualcomm की बात करते हैं, MSM में SDM, SM, ये जो CPU वाइज होते हैं, CPU के नंबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे काम करते हैं। उसमें आपका ऐड हो जाता है, Xiaomi के भी फ़ोन कुछ ऐड हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि Xiaomi में Qualcomm भी होता है, MediaTek होता है। हमारा पढ़ाने का पहला रीज़न MediaTek इसलिए होता है, उसके बाद Qualcomm इसलिए होता है, क्योंकि उसमें Xiaomi का जो फ़ोन होता है उसमें MediaTek भी CPU होता है और Qualcomm भी होता है, तो जिससे कि हम पढ़ाते हैं तो उसमें हमारा Xiaomi फ़ोन भी इंक्लूड हो जाता है। फिर तीसरे दिन की क्लास हम पढ़ाते हैं सैमसंग को पढ़ाते हैं। यहाँ पे तीसरे दिन की जो हमारी क्लास होती है सैमसंग की होती है। मतलब सैमसंग ऐसा नहीं है कि जैसा हमने बताया ब्रांड वाइज, क्योंकि सैमसंग में जायनो CPU होता है, उसमें भी MediaTek और Qualcomm होता है, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँ MediaTek, Qualcomm, उसके बाद सैमसंग। तो सैमसंग में फुल आपको जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल हम यहाँ पे अनलॉकिंग बताते हैं। सबसे पहले फ्लैशिंग,
क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट होता है दो ही चीज हम जेन्युइन सिखाते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर क्लास होती है एक फ्लैशिंग और अनलॉकिंग। तो ये सारा हम क्लास में अपना डिटेल करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्लैशिंग अनलॉकिंग का ही सॉफ्टवेयर है, बाकी मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दो ही काम करें, फ्लैशिंग और अनलॉकिंग, इसी पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद सैमसंग में आता है इसकी फ्लैशिंग करना और इसकी FRP, जो कि हम सैमसंग की एक FRP, आपको कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक सैमसंग का ही फ़ोन है जो कि लेटेस्ट ही ये फ़ोन है, देख सकते हैं ये M20 फ़ोन है, पर हम M20 बेस को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सैमसंग की FRP आपको दिखाएंगे। तो हम दिखा देते हैं FRP आपको, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं स्किप का बटन नहीं आ रहा है, मतलब ये इसमें FRP गूगल अकाउंट लगा हुआ है। आप इसमें कोई भी वाईफाई कनेक्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो आपको एक जीमेल एड्रेस के लिए आपको रिकमेंड करेगा, तो इसमें FRP लगा हुआ है। तो बेस मैं आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि आप फिर कमेंट करके बोलेंगे कि M20 का वीडियो दिखा रहे हो, हम M20 का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, हम अपने क्लास का एक आपको हाईलाइट दे रहे हैं कि आपको कैसे काम कराते हैं। आपको यहाँ पे एक टूल के द्वारा दिखाएंगे कि आप कैसे, दोनों ही वे में दिखाऊंगा कि आप उसको FRP और सारा चीज़ आपको कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो चौथी क्लास चलती है यहाँ पे आईफोन की क्लास चलती है और SPD CPU चलता है। हमारी जो चौथी दिन की क्लास होती है उसमें आईफोन इंक्लूड होता है, जिसमें हम बाईपास नहीं बताते हैं, वहाँ पे iCloud बाईपास नहीं बताते हैं, हम बताते हैं उसकी फ्लैशिंग और उसके कुछ एरर्स के बारे में। और उसके बाद हम करते हैं SPD CPU में, क्योंकि हमारा जो CPU वाइज कंटेंट होता है ये हमारा चलता है MediaTek, हमारा Qualcomm, हमारा Samsung और SPD, ये सारे चलते हैं हमारे CPU वाइज, क्योंकि हमारे दो वे से होता है CPU वाइज और फाइल वाइज, क्योंकि हमारा CPU तो जो भी होता है फिर हम उसके अकॉर्डिंग फाइल वाइज भी काम करते हैं। फिर जो हमारा पांचवें दिन की कंटेंट होती है, हमारी 5 डेज की क्लास होती है प्रॉपर सॉफ्टवेयर की, तो 5 डे में जो क्लास होती है उसमें हमारा हो जाता है बाईपास हो जाता है। बाईपास के बाद होता है हमारा ऑल रिवीजन, पहले तो हम रिवीजन कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बाईपास करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं फाइल वाइज, क्योंकि हमारे ये CPU वाइज कंटेंट हो चुका है। फिर उसके बाद हम फाइल वाइज काम करते हैं कि यहाँ पे जो भी फाइल आया, जैसे हम बात करें फाइलों की, जैसे हमने पैनासोनिक ले लिया, तो हमने तो पढ़ा दिया कि CPU वाइज पहले हमें कैसे CPU जानना है, हम सारी डिटेल देते हैं यहाँ पे। मैं छोटी छोटी बात बताऊं कि अगर आपको यहाँ पे बस हाईलाइट बता रहा हूँ कि अगर काफ़ी सारे वीवो, जैसे ओप्पो के मॉडल्स हुए, वीवो के मॉडल्स हुए, काफ़ी सारे ये दिक्कत में आ जाते हैं लॉकिंग के टाइम पे कि सर सबसे पहले मॉडल कौन सा है, ये मॉडल नहीं जान पाते ज़्यादातर तक, तो हम आपको 4 से 5 ट्रिक बताते हैं जिससे आप किसी भी फ़ोन का आप मॉडल पता कर सकते हैं बिना फ़ोन को खोले। तो ये सारा चीज़ हम अपने क्लास में बताते हैं कि आप कैसे, कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, क्योंकि सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो यही होता है, वीवो के हर एक मॉडल देखेंगे आपको सेम तरीके की दिखाई देती है, चाहे वो Y91 हो, Y95 हो, Y93, वो सब सेम दिखाई देता है, पर आपको हम एक एक चीज़ उसकी आपको बताएंगे कि आप परफेक्ट तरीके से बता देंगे कि उसमें कौन सा मॉडल है, ये कौन सा फ़ोन है। तो ये हमारा 5 दिन का कंटेंट होता है, इसमें हम बाईपास के बाद फाइल वे भी समझाते हैं और ऑल रिवीजन। तो बाईपास का भी ट्रिक हमारे पास बहुत कंटेंट है जो कि हम यूट्यूब में नहीं डालते हैं, वो केवल अपने स्टूडेंट को बताते हैं वो ट्रिक आपको विद प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे एक फ़ोन दिखाया हुआ है, हर एक सेक्शन के करीब 3 से 4 फ़ोन होते हैं विद प्रैक्टिकल, यहाँ पे 3 से काफ़ी ज़्यादा भी फ़ोन हो जाते हैं हमारे पास विद प्रैक्टिकल, हम यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक इंटरफेस को यहाँ पे बता दिया आपको तो इसी इंटरफेस पर काम करना, नहीं, अगर हमने ये इंटरफेस बताया है, अगर यहाँ पे UMT का अल्टीमेट मल्टी टूल हमने बताया है, तो उसको चला करके प्रॉपर एक एक वर्ड को, एक एक टैब को समझाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ये तो हमारा कंटेंट हो गया, कंटेंट होने के बाद अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसा कि हमने बताया था कि एक अनलॉकिंग जो कि सैमसंग का आप जानते भी हैं, पर यहाँ पे हम कोई मॉडल वाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सैमसंग की FRP आपको ऐसा चुटकी में करके दिखाएंगे जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और जो टूल है इसमें मैं रिकमेंड करूंगा मैग्मा टूल, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी सारे और भी टूल हैं, जैसे फ्री भी हैं और पैड भी हैं, इसमें कोई भी टूल नहीं है, ये क्रेडिट वाइज चलता है, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। तो चलिए मैं इस टूल को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको टूल दिखाना चाहूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्मा टूल हमारा यहाँ पे है, इस मैग्मा टूल को हम ओपन करेंगे। ये ऑटो अपडेट हो जाता है, जब कभी भी अपडेट आता है तो ये अपना ऑटो अपडेट हो जाता है, आपको टूल बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इस टूल को एक बार आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ये अपने आप
जब कभी ये नया वर्जन आएगा तो आपको इंटरनेट कनेक्ट रखना है, ये ऑटो अपडेट हो जाएगा, अपडेट के लिए यहाँ पे खुद हो जाएगा। केवल आपको मेगमा टूल का एक सेटअप रखना है, ये सारा चीज आपको चाहिए तो आप प्रॉपर वीडियो में जा करके देख सकते हैं। एशिया टेलीकॉम के चैनल पे आप इसकी प्रॉपर वीडियो डाली है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे आपको क्रेडिट लेना है, वो सारा चीज आपको डिटेल मिल जाएगी। और ये सारा डिटेल हम क्लास में भी देते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल अनलॉकिंग बताते हैं, आपको ये कैसे चलाना होता है ये सारा चीज हम यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल बताते हैं। तो ये आपको ये सारा टूल के बारे में इंटरफेस तो आने के बाद ही आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे इसकी अगर हमारे पास ये टूल नहीं होता तो हम इसको बाईपास करते हैं सैमसंग एफआरपी टूल से, जिसमें इसमें गूगल अकाउंट से काफ़ी सारे आपने वीडियो भी देखा है, हम वो भी बताते हैं, हर एक ट्रिप बताते हैं, जो कि कोई भी स्टेप हम नहीं छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह हमारा मेगमा टूल का है जो कि ऑटो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे एक क्रेडिट बेस पे काम करता है, यहाँ पे आप एक क्रेडिट पे चार फोन को अनलॉक कर सकते हैं, कोई भी फोन सैमसंग का कोई भी फोन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट शो हो रहा है और 7.5 मतलब यहाँ पे 7.5 क्रेडिट यहाँ पे शो हो रही है। आप 10 क्रेडिट ले सकते हैं तो 10 क्रेडिट में आपके 40 फोन कोई भी आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। और ये जो काम करेगा ये MTP मोड पे काम करेगा। मतलब सर बोलते हैं फिर MTP मोड क्या है, ये क्या है, फास्ट बूट क्या होता है, हमारा रिकवरी क्या होता है, ये सारे मोडों के बारे में आपको यहाँ पे, ब्राउन मोड क्या होता है, मेटा मोड क्या होता है, ये सारा हम अपने क्लास वाइज सेक्शन वाइज उसको सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने MTK पढ़ाते पढ़ाते सैमसंग में चले जाते हैं, हम प्रॉपर MTK की क्लास में MTK से रिलेटेड ही काम करते हैं, जिसमें आपका MTP होगा क्या हुआ, फास्ट बूट क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ब्राउन मोड क्या होता है, हमारा यहाँ पे मेटा मोड क्या होता है, ये सारे मोड सारे ड्राइवर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फोन को आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको फोन को चालू ही कंडीशन में कनेक्ट करना है। मतलब इस फोन को आपको क्या करना है, तो फोन को फ्रेंड आपको सीधा इसमें आपका सैमसंग USB ड्राइवर होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई भी MTP के लिए अलग से कोई भी ड्राइवर आपको चलाने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसी चालू ऑन कंडीशन में आपको कनेक्ट कर देना है फोन को। ये देखिए हमारा गैलेक्सी M20 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसे सिंपल है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, वन क्लिक यहाँ पे अनलॉक FRP सैमसंग अकाउंट MTP मोड, यहाँ पे आपको सीधा क्लिक कर देना है, आपका पोर्ट इसी चालू कंडीशन में लगाना है। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे सीरियल नंबर, फॉर्मवेयर और यहाँ पे सारी चीजें, हमारे डिवाइस सीरियल और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे एक चीज और है जो कि हम क्लास में बताते हैं, यहाँ पे हम एक चीज नहीं बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, इस चीज का मैटर मैं आपको समझाते हैं, हम क्लास में बताते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि सर हमें ये क्या करना होता है, वो हम वीडियो में नहीं बता सकते, बट ये छोटी सी चीज है, आपको दिख भी रही है पर इसकी डिटेलिंग हम देते हैं अपने क्लास में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमारा डन हो चुका है, ऑपरेशन फिनिश हो चुका है, केवल 26 सेकंड में हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये देखिए डाटा केवल यहाँ पे निकाल देते हैं, आपको FRP भी हमने वहाँ पे दिखाया हुआ था। अब सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट, फिर से और करना है नेक्स्ट, ये करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का बटन आ चुका है, तो देखिए हमारा स्किप भी हो चुका है, यहाँ पे लेटर कर देते हैं। तो फाइनली आपको प्रॉपर चालू करके दिखाते हैं कि होम स्क्रीन तक लेके आते हैं कि एक्चुअल में हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। स्किप स्किप फिनिश, जस्ट अ सेकेंड, डन। ये देख सकते हैं इजी तरीके से अनलॉक हो चुका है, क्योंकि केवल और केवल इसकी जो कॉस्टिंग लगी केवल ₹25 में आपका ये अनलॉक हो चुका है। नहीं तो आपको इसमें बाईपास करना होता है जनरली, आप जानते हैं, नहीं तो आपको इसको कॉम्बिनेशन मेथड भी हम बताते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन मेथड से भी आप इसकी FRP बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा डेमो, और बाकी हमारा जो और भी एक दो टूल हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पे, तो ये तो हो गया मेगमा टूल का इंटरफेस। और हम जो आपको काम सिखाते हैं वो हम UMT डोंगल में आपको, जो कि मेन UMT डोंगल का सारा अपडेट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा MediaTek के लिए होता है, ये हमारा MediaTek के लिए होता है, और ये हमारा होता है Qualcomm के लिए QCFire, ये आप बाकी आप सारी चीज जानते हैं। पर इसके सारे इंटरफेस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे डोंगल्स हैं, जैसा कि मैं शुरू में ही बता रहा था, काफी सारे इससे भी ज्यादा डोंगल्स आते हैं मार्केट में, पर हम ये डोंगल आपको कभी स्टूडेंट को नहीं बोलते हैं कि इतने सारे डोंगल। जैसे मैं आपको बता दूं UMT है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास Z3X है, यहाँ पे हमारा CM2 है, यहाँ पे हमारा मिरकल है, यहाँ पे काफी सारे डोंगल है, हम कभी भी इतना डोंगल लेने के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पैसा वेस्ट होता है। यहाँ पे आपको केवल और केवल एक दो टूल में कोई भी फोन आप अनलॉकिंग और फ्लैशिंग बहुत ही इजी तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन को बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका वीडियो जो UMT का या टूल का प्रॉपर वीडियो हम लेकर के आएंगे, सारे टूल का इंटरफेस आपको दिखाएंगे हाईलाइट कि कहां से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इतने सारे टूल आपको लेने के लिए नहीं बोलते हैं, तो टूल का वीडियो नेक्स्ट टाइम पे हम आप बताएंगे। बाकी आप अगर कमेंट करेंगे तो मेगमा टूल का एक बार फिर से लाइव आकर के आपको सामने लाइव मेगमा टूल को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसका क्रेडिट लेना है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
बार वो आ रहा हूँ सर, एक बार वर्ल्ड का न